Namaskar, everyone. Welcome to Headlines of the Day. In this video, we will discuss major headlines of the Hindu. Before we start, I would say. ऑलवेज मेक टोटल एफर्ट इवन वेन आर अगेंस्ट यू तो चलिए फिर इसी के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द वन जीरो थर्ड अमेंडमेंट एक्ट आर्ग्यूमेंट फेवरिंग ईडब्लू एस कोटा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हमारी वेबसाइट पे भी कवर किया गया है और यहां पे भी बहुत बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है है और ये एडिटोरियल सेक्शन में भी है बहुत अच्छे से। अगर हम ओवरव्यू देखें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेंजर टू देशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन सेंटर अपोजिस And से इन दिस वी हैव टू नो सरोगेसी एंड सरोगेसी लॉस इन इंडिया चैलेंजेस एंड वे अहेड। तो दोस्तों इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और उसके अलावा आप यहां से भी देख सकते हैं राइट आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन एक्ट फोर्सेस आदिवासीज़ इन नीलगिरीज इन टू कंफ्लिक विद एक्टिविस्ट ये अवेलेबल फाइव पे एंड इट इज रिलेटेड टू पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द मेजर प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसिस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व सिग्निफिकेंस इश्यूज एंड वट लाइज अहेड तो दोस्तों पोस्को को भी हमारी वेबसाइट पर बहुत अच्छे से कवर किया गया लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में ठीक Our next important headline is The Age of Minimalism in India Pakistan Ties. It is available on page number 6. और ये रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो दोस्तों बहुत शानदार तरीके से यहां पे एक्सप्लेन किया गया है अगर हम ओवरव्यू देखें तो इन दिस आर्टिकल इट हैज बीन हाइलाइटेड दैट देयर इज वेरी लिटिल बायोलिटरल कांटेक्ट टुडे एंड इवन फ्यूअर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायोलेटरल ब्रेक थ्रू एंड हार्डली एनी वॉर्म इन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया पाकिस्तान और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज

Addressing malnutrition is critical to laying a strong foundation for human development. Our next important headline is India's G20 Presidency and Food Security. It is available on page number 7, year related to the paper 3, Food Security section. In this article, we have to know about the status of food security in India. करंट फ्रेमवर्क ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैलेंजेस रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वट ऑपर्चुनिटीज डज अपकमिंग इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी ऑफर इन दिस कंटेक्ट एंड वट शुड बी वे फॉरवर्ड तो दोस्तों इन सारे को पे गया है। अगर हम ओवरव्यू देखें तो इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ जी ट्वेंटी हिस्टोरिकल ऑपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री टू शेयर इट सक्सेसफुल जर्नी इन मूविंग फ्रॉम फूड डेफिशियट नेशन टू फूड सरप्लस नेशन एंड एड्रेस द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर क्रिएटिंग रिजिलेंट एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम सी ग्रेनलोल सप्लाइज एंड डिड इट है रोल इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन एंड फूड ग्रेन प्राइसिस दोस्तों हमारी वेबसाइट पर बेहद शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया और यहां भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया तो आप देख सकते हैं अगर हम ओवर व्यू देखें तो इट द डील एंडेवल्स टू टैकल एस्कलेटिंग फूड प्राइस इज एमिनेटिंग फ्रॉम द सप्लाई चेन डिस्क्रिप्शन बिकॉज ऑफ रशिया एक्शन इन द वर्ल्ड ब्रेड बास्केट यूक्रेन विच इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट मेज सनफ्लावर सीड्स एंड सनफ्लावर ऑयल ग्लोबली आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज

There is a need to update National Population Register again to incorporate the changes due to birth, death and migration. Our next and last important headline is Electoral Bond Scheme Amended Sale from Tomorrow. It is available on page number 12 or year related paper to polity and governance. In this article, we have to know about the latest developments related to electoral bond scheme and we also have to know about the scheme. तो दोस्तों द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू थाउजेंड एटीन एस एन अल्टरनेटिव टू कैश डोनेशन मेड टू पोलिटिकल पार्टीज एज पर प्रोविजन ऑफ द स्कीम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मे बी परचेज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और स्टेब्लिश इन इंडिया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स